में क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 12 मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 12.2 लेवल फर्स्ट टू द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 टू 30। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमको ट्रू प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 25 7 रेस टू द पावर 2n प्लस 2 रेस टू द पावर 3n माइनस 3 इनटू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। देखिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल नेचुरल नंबर n के लिए 25 का डिविजिबल है, ऐसा अपने को PMI की हेल्प से प्रूफ करना है। तो PMI से क्वेश्चन को ट्रू प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और उसके बाद पीएमआई की बेसिक स्टेप एन इजिकल टू वन के लिए पी ऑफ वन को ट्रू प्रूफ करते हैं और उसके बाद पीएमआई की सेकंड स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करते हैं और उसको एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए या पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ कर देते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट पी ऑफ एन है वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूफ हो जाता है। देखते हैं हम इसको 8 पी ऑफ एन सच दैट 7 रेस टू द पावर 2n प्लस 2 रेस टू द पावर 3n माइनस 3 इनटू 3 रेस टू द पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। ये जो स्टेटमेंट है ये 25 का डिविजिबल है, मतलब 25 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो पीएमआई की बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए, फॉर एन इज इक्वल टू वन, यहां पर एन के प्लेस पे वन रख दो, ये हो जाएगा पी ऑफ वन such that 7 raised to the power 2 into 1 plus 2 raised to the power 3 into 1 minus 3 into 3 raised to the power 1 minus 1। हमने n के प्लेस पे 1 रख दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 3 पावर है 3 minus 3 into 3 raised to the power minus 1 plus 1 cancel, तो ये 0 है। Which is equal to 7 square 49 plus ये 3 और 3 cancel हो गया तो 2 की power 0 1 होता है और ये 3 की power 0 ये भी 1 into 1 करेंगे तो 1 into 1 करेंगे तो ये 1 49 plus 1 50 हो गया। देखो this 50 is divisible by 25, 50 जो है वो 25 का divisible है, is divisible by 25, 50 जो है वो 25 का डिविजिबल है, ये प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर पी ऑफ 1 इज 2। देखिए हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप n = 1 के लिए पी ऑफ 1 को प्रूफ कर दिया। अब इसके इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और उसको एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे, दैट इज पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ करना। 8 पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज इसमें एन के प्लेस पे के रख दो, पी ऑफ के सच दैट 7 raised to the power 2k plus 2 raised to the power 3k minus 3 into 3 raised to the power k minus 1 is divisible by 25, is divisible by 25। ये जो है ये स्टेटमेंट 25 का डिविजिबल है, ऐसा अपन ने सपोज कर लिया। जब ये 25 का डिविजिबल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, which implies 7 raised to the power 2k plus 2 raised to the power 3k minus 3 into 3 raised to the power k minus 1 is equal to 25m।
वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर। जब ये 25 का डिविजिबल है मतलब 25 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिविडेंड आ जाएगा, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा। तो 25 इंटू एम, ये डिविजिबल था 25 का, तो इसको 25 एम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर दो, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ये जो स्टेटमेंट है ये n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, दैट इज k के प्लेस पे k plus 1 या n के प्लेस पे k plus 1 रख दो, तो मैं k के प्लेस पे k plus 1 रख देता हूँ। p of k plus 1 such that 7 raised to the power 2k, मैं k के प्लेस पे k plus 1 रखी तो 2k plus 2 हो जाएगा, plus 2 raised to the power 3k minus 3, यहाँ k के प्लस पे k plus 1 रखी तो 3k plus 3 और ये minus 3 cancel हो गए, 3k आ जाएगा, 2 raised to the power 3k into 3 raised to the power, यहाँ k के प्लस पे k plus 1 रखें, k plus 1 minus 1 cancel हो गए, k आ जाएगा। is divisible by divisible by 25, तो इस p of k plus 1 को भी हमको 25 का divisible prove करना है। तो इसको 25 का डिविजिबल प्रूव करने के लिए जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ देखो हम इसी को सॉल्व करते हैं और इसका यूज करेंगे, तो ये 25 का डिविजिबल प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 रेस टू द पावर 2k प्लस 2 है, और इक्वेशन फर्स्ट से 7 रेस टू द पावर 2k की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो इस 7 रेस टू द पावर 2k प्लस 2 को 7 रेस टू द पावर 2k इंटू 7 स्क्वायर लिख लेते हैं, is equal to 7 raised to the power 2k into 7 square, base same है तो power add हो जाएगी, 7 raised to the power 2k plus 2 हो जाएगा, plus इनको जैसा का वैसा लिख दो, 2 raised to the power plus 2 raised to the power 3k into 3 raised to the power k, इसको भी हमको 25 का divisible prove करना है। अब देखो ये जो 7 raised to the power 2k है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से 7 raised to the power 2k की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, 25m इधर है, इस टर्म को इधर सेट कर दो तो ये माइनस हो जाएगी, तो 25m minus 2 raised to the power 3k minus 3 into 3 raised to the power k minus, which is equal to 7 raised to the power 2k की वैल्यू रख देते हैं, 25m minus 2 raised to the power 3k minus 3 into इंटू 3 रेस टू द पावर k माइनस 1, यही वाली वैल्यू है क्वेश्चन फर्स्ट से, इसमें रहेंगे 25m माइनस 2 रेस टू द पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 रेस टू द पावर k माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 7 स्क्वायर 49 प्लस इनको ऐसे लिख दो 2 रेस टू द पावर 3k into 3 raised to the power k, ठीक है। अब ये 25 का डिविजिबल ऐसा प्रूफ करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 को कॉमन निकाल देंगे तो वो 25 का डिविजिबल प्रूफ हो जाएगा, ये 49 के अंदर इंटू कर लो, विच इज इक्वल टू 49 इंटू 25m माइनस 49 इंटू 2 raised to the power 3k minus 3 into 3 raised to the power k minus 1 plus 2 raised to the power 3k into 3 raised to the power k. So, और सॉल्व करते हैं, which is equal to 49 into 25 m, इसको ऐसे रहने दो, 25 को अपने को कॉमन निकालना, माइनस ये 49 को ऐसे रहने दो into, अब यहाँ पर 2 raised to 3k है और 3 raised to k है, तो इसको भी 2 raised to the power 3k minus 3 और 3 raised to the power k minus 1 को 2 raised to the power 3k और 3 raised to the power k बना लेते हैं, तो फिर अपन कॉमन निकाल पाएंगे, 2 raised to the power 3k upon 2 cube लिख सकते हैं, देखो बेस सेम है, 2 तो पावर माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, 2 raised to the power 3k minus 3 हो जाएगा, into 3 raised to the power k minus 1 को 3 raised to the power k upon 3, यहां पे 1 पावर है ऊपर जाके पावर माइनस होगी तो 3 raised to the power k minus 1 हो जाएगा, प्लस 2 raised to the power 3k into 3 raised to the power k,
which is equal to 49 into 25 m. अब देखो यहां से 2^3 k और 3^4 k ये कॉमन निकालते हैं, तो ये सामने माइनस है, मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, माइनस 2^3 k इंटू 3^k, ये कॉमन निकाले हमने, तो यहाँ बचेगा 49 और अपॉन में 2³ × 3, ये 49 अपॉन 2³ × 3, ये प्लस का बच गया, हमने माइनस था, और इसमें से आप इसको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस वन बच जाए, आप इंटू करके देख लो तो यही आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 इंटू 25 एम माइनस 2^3 k इंटू 3^k, और ये क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 2^4, 2^8, 8^3 = 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 इंटू 25 एम माइनस 2^3 k इंटू 3^k, यहाँ एलसीएम लिए 24, 49 माइनस 24 ये हो जाएगा आपका 49 इंटू 25 एम माइनस 2^3 k इंटू 3^k इंटू 49 माइनस 24 करेंगे तो ये 25 अपॉन 24 ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ से 25 कॉमन निकल गया, ये और ये, हमको 25 ही कॉमन चाहिए था, इज इक्वल टू 25 को कॉमन निकालो, क्या 49 एम माइनस 2^3 k इंटू 3^k 25 निकल कर अपॉन इस 24 को 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 को 2^3 लिख लो और 3 ये हो गया 2^2 = 8, 8^3 = 24, अब ये 2^3 को इसमें से माइनस कर दो और ये 3^k में से 1 को माइनस कर दो, ये ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 49 एम माइनस 2^3 k माइनस 3, ऊपर ले पावर माइनस करती है बेस सेम है तो 3^4 k माइनस, ऐसा आ गया। अब देखो 25 सब में से कॉमन आ गया, अब अपन इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा इतने टाइम, तो इज डिविजिबल बाय 25 बोल सकते हो, इज डिविजिबल बाय 25 पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। देखो हमने पी ऑफ के को ट्रू सपोज किए थे और पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिया, उसको 25 का डिविजिबल प्रूव कर दिए, तो हेंस बाय पीएमआई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस बाय पीएमआई पी ऑफ एन इज ट्रू ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये ऑल एन नेचुरल नंबर के लिए ट्रू प्रूव हो गए, तो ऐसे आप इसको पीएमआई की हेल्प से 25 का डिविजिबल प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 2 × 7^n + 3 × 5^n - 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए 24 का डिविजिबल ऐसा प्रूव करना है पीएमआई की हेल्प से, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, लेट पी ऑफ एन सच दैट 2 × 7^n प्लस 3 × 5^n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24, डिविजिबल बाय 24, ये 24 का डिविजिबल है, तो पी एम आई की बेसिक स्टेप एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूफ प्रूफ करेंगे, पहले बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू 1, इसमें एन के प्लेस पे 1 रख दो, पी ऑफ 1 सच
such that 2 into 7 raised to the power 1 plus 3 into 5 raised to the power 1 minus 5. अब ये भी आपका 24 का डिविजिबल आना चाहिए, तो p of 1 true हो जाएगा, which is equal to 2 into 7 plus 3 into 5 minus 5, 1 power को लिखती है हमने, 2 7 जा 14 plus 3 5 जा 15 minus 5, ये 14 और 15 minus 5 करेंगे तो 10 plus 14 24 हो जाएगा. 24 is divisible by 24 is divisible by 24. So, ये 24 का divisible है 24. Therefore, P of 1 is 2. P of 1 is 2. ये हमने इसकी basic step को true prove कर दी. अब इसके inductive step, इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इजिकल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और उसको एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए दैट इज पी ऑफ के प्लस वन को ट्रू प्रूफ करेंगे, तो वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूफ हो जाएगा. लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर एन इजिकल टू के, दैट इज पी ऑफ के सच दैट एन के प्लेस पे के रख दो, इसमें जाएगा 2 into 7 raised to the power k plus 3 into 5 raised to the power k minus 5 is divisible by 24. ये 24 का divisible है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 into 7 raised to the power k plus 3 into 5 raised to the power k minus 5 is equal to 24 का divisible है, तो 24m where m belongs to integer. इसको equation first दे दो. Let's suppose this is equation first. Then it must be true for n is equal to k plus 1. Then it must be true for n is equal to k plus 1. That is k के प्लेस पे k प्लस 1 रख दो तो p ऑफ k प्लस 1 n के प्लेस पे भी रख सकते हैं, सच दैट 2 इंटू 7 रेस टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 रेस इंटू 5 रेस टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24. ये भी आपका 24 का डिविजिबल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है, तो हम इसी को सॉल्व कर देंगे और जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका यूज कर लेंगे, तो ये 24 का डिविजिबल आ जाएगा. 24 का डिविजिबल लाने के लिए हमको क्या करना है, 24 को कॉमन निकालना, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा और वो 24 का डिविजिबल हो जाएगा. तो आप यहाँ देखो 2 इंटू 7 रेस टू द पावर के प्लस 1 दिख रहा है ना, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में 2 इंटू 7 रेस टू के है, तो यहाँ पर ये 7 की पावर के प्लस 1 को 7 की पावर k इंटू 7 लिख देते हैं और यहाँ से 2 इंटू 7 रेस्टू का पावर k की वैल्यू यहाँ पर यहाँ से रखते हैं, ये वाला 2 इंटू 7 रेस्टू का पावर k इसकी वैल्यू 24m ये माइनस 3 इंटू 5 के रेस्टू 5 रेस्टू k और ये प्लस 5 ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ, इसको थोड़ा सा लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 2 into 7 raised to the power k into 7, ऐसा लिखती है हमने इसको 2 raised to the power 2 into 7 raised to the power k plus 1 को into इसको ऐसे ही रहने दो, 3 into 5 raised to the power plus 3 into 5 raised to the power k plus 1 और ये minus 5. अब इसको भी हमको 24 का divisible prove करना है, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 2 इंटू 7 रेस टू द पावर k की वैल्यू यहाँ से 24m माइनस 3 इंटू 5 रेस टू k माइनस 5 का प्लस 5, 24m माइनस 3 इंटू 5 रेस टू द पावर k और माइनस 5 का प्लस 5 हो जाएगा, ये
इसकी वैल्यू रखती है हमने यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, और ये इन टू सेवन प्लस थ्री इन टू फाइव प्लस टू द पावर के प्लस वन माइनस फाइव को ऐसे लिख दिए। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी हमने, फ्रॉम फर्स्ट ये सेवन टू इंटू सेवन प्लस टू पावर के की वाली वैल्यू लगती है इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ से चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। बच्चेस इक्वल टू सेवन का इंटू कर लो, तो सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एम, ट्वेंटी फोर कॉमन निकालना इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, माइनस सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन इंटू फाइव रेस टू द पावर के प्लस सेवन फाइव जार थर्टी फाइव और प्लस थ्री इंटू फाइव रेस टू द पावर के प्लस वन है और यहाँ पर फाइव रेस टू पावर के है तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे इसलिए इसको फाइव रेस टू द पावर के इंटू फाइव ऐसा लिखती है और ये माइनस फाइव, ये फाइव की पावर के प्लस वन होता है। विच इज इक्वल टू सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एम, यहाँ से फाइव रेस टू द पावर के, ये फाइव रेस टू पावर के कॉमन निकाल देते हैं, माइनस फाइव रेस टू द पावर के ये कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा ट्वेंटी वन, ये माइनस था तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस का बचे और ये थर्टी फाइव माइनस फाइव करेंगे तो प्लस थर्टी, देखो सब बराबर होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी वन इंटू फाइव प्लस टू के और इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फाइव थ्री जो फिफ्टीन और फाइव प्लस टू के और ये थर्टी फाइव माइनस फाइव थर्टी। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एम माइनस फाइव के इंटू ट्वेंटी वन में से फिफ्टीन माइनस करेंगे तो सिक्स प्लस थर्टी, अब अपने को पूरे में से 24 कॉमन चाहिए तो यहाँ से निकलेगा नहीं अभी 24 कॉमन, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एम माइनस सिक्स कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, ये फाइव रेस टू द पावर के बचेगा और ये माइनस फाइव बचेगा, इंटू करके देख लो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस का प्लस थर्टी हो जाएगा। अब ये जो फाइव रेस टू के माइनस फाइव दिख रहा है इसको ध्यान से देखो, फाइव की अगर ये के की प्लेस पर इंटीजर जीरो रखते तो फाइव की पावर जीरो वन हो जाएगा माइनस फाइव, तो ये आपका माइनस फोर आ जाएगा। अगर वन रख दे के प्लेस पे तो फाइव माइनस फाइव जीरो आ जाएगा माइनस फोर जीरो, टू रखते तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव करेंगे तो ट्वेंटी आ जाएगा, थ्री रखेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव वन ट्वेंटी आ जाएगा। तो क्या मिल रहा है के की अगर इंटीजर वैल्यू रखे तो माइनस फोर जीरो ट्वेंटी 120 इस टाइप की क्वांटिटी में, ये सब क्या है इसको ध्यान से आप देखो, ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, इसको मल्टीपल आप 4 लिख सकते हैं, 7 इंटू ट्वेंटी फोर एम माइनस सिक्स इंटू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल आप 4 बोल सकते हैं, 7 इंटू ट्वेंटी फोर एम माइनस सिक्स मल्टीपल आप फोर को फोर पी लिख देता एयर पी बिलोंग्स टू कोई इंटीजर, पी कोई भी इंटीजर रखेंगे आप तो ये फोर का मल्टीपल ही आपको मिलेगा। अब ये सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर पी हो गया, सेवन इंटू ट्वेंटी फोर एम माइनस ट्वेंटी फोर पी, अब यहाँ से हम ट्वेंटी फोर को कॉमन निकाल लेते, ट्वेंटी फोर कॉमन निकाले तो ये सेवन एम माइनस पी, अब देखो ये 24 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 24 का डिविजिबल हो गया, इज डिविजिबल बाय 24, ये आपका 24 का डिविजिबल प्रूफ हो गया। देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, देखो हमने p ऑफ k को ट्रू सपोज किए थे और p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ कर दिया तो ये ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव हो जाए, हेंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी ऑफ एन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव हो गया, ऐसे आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 11 रेस टू द पावर एन प्लस टू प्लस 12 रेस टू द पावर टू एन प्लस 1 is divisible by 133 for all n belongs to natural number।
ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू प्रूव करना है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए 133 का डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को पी ऑफ एन के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, डेट पी ऑफ एन सच दैट 11^n+2 12^2n+1 इज डिविजिबल बाय 133। ये 133 का डिविजिबल है ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले पीएमआई की बेसिक स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए, फॉर एन इज इक्वल टू वन, इसमें एन के प्लेस पे वन रख दो, तो ये पी ऑफ वन सच दैट 11^1+2 + 12^2 + 1। अब ये जो है ये भी आपका 133 का डिविजिबल होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 11^3 + 12^2 = 2+1 = 3। 11 की पावर 3, 11 इंटू 11 121, और 121 में 11 का इंटू करेंगे तो 1331 होगा, प्लस 12 144, और 144 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 48, 4 12 48 + 4 52, 5 12 12 + 5 17, 1728। 1728 इज इक्वल टू, इसमें 1331 को प्लस कर लो, 819, 235, 7310, और ये 3059। देखिए ये 3059 जो है ये 133 का डिविजिबल है। वन को दिखाते हैं, 3059 डिवाइडेड बाय 133, 23 टाइम डिवाइड हो जा रहा है, तो 3059 इज डिविजिबल बाय 133। ये 133 का डिविजिबल आ गया, देयरफॉर पी ऑफ वन इज ट्रू, पी ऑफ वन इज ट्रू। देखो हमने पीएमआई की बेसिक स्टेप को प्रूव प्रूव कर दी। अब इसके इंडक्टिव स्टेप इंडक्टिव स्टेप में पी ऑफ एन को एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू सपोज करेंगे और एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूव कर देंगे। 8 p of n b true for n is equal to k, that is n के प्लेस पर k रख दो, p of k such that 11^k+2 + 12^2 k+1 is डिविजिबल बाय 133। ये 133 का डिविजिबल होगा, इसका मतलब हो गया 11^k+2 + 12^2 k+1 इज इक्वल टू 133 m, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 133 का डिविजिबल है तो इसको 130 m के इक्वल ले सकते हैं हम। ये 133 और m आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसको 133 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा उसको 133 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा और रिमाइंडर इसका जीरो आएगा। तो 133 m सपोज कर लिए अपन इसके इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, दैट इज k प्लेस पे k+1 या n के प्लेस पे k+1 रख दो। तो मैं k के प्लेस पे k+1 रख देता हूँ, p ऑफ k+1 सच दैट, यहाँ रखना है 11^ k+1 + 2 k+3 हो जाएगा, प्लस 12^2 k+1 है, k के प्लस 2 k+2 + 1, तो 2k+3 हो जाएगा, 12k+3 इज डिविजिबल
बाय 133, ये भी आपका 133 का डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो हम इसी को आगे सॉल्व कर देते हैं, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका यूज कर लेते। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर 11 की पावर के प्लस 2 है, और यहाँ अपने पास में 11 की पावर के प्लस 3 है, तो ये के प्लस 3 को 11 की पावर के प्लस 2 प्लस 1 लिख लेते हैं, और 11 की पावर के प्लस 2 इंटू 11 लिख लेंगे, और यहाँ पर इससे वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और ऐसा सॉल्व करेंगे 133 कॉमन आ जाए, 133 कॉमन आ जाएगा तो 133 का डिविजिबल प्रूफ हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू 11 रेस टू द पावर के प्लस 2 प्लस 1। देखिए ये 11 की पावर के प्लस 3 था, मैंने इसको के प्लस 2 प्लस 1 लिख दिया, प्लस 12 की पावर 2 के प्लस 3, 12 की पावर 2 के प्लस 3। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 11 की पावर के प्लस 2 इंटू 11, यहाँ पे 11 की पावर 1 है और यहाँ पे के प्लस 2 बेस से, मैं तो पावर ऐड होके के प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 12 की पावर 2 के प्लस 3। अब आप यहाँ पर 11 रेस्ट टू द पावर के प्लस 2 के प्लेस पे ये इक्वेशन फर्स्ट से ये वाली वैल्यू रखते हैं, इसको 12 रेस्ट टू द पावर 2 के प्लस 1 को इधर सेट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 130 है माइनस 12 रेस्ट टू द पावर 2 के प्लस 1, 133 एम माइनस 12 रेस्ट टू द पावर 2 के प्लस 1, इसको मैंने इधर सेट कर दिया है 12 की पावर 2 के प्लस 1 को 133 एम के तरफ, ये वैल्यू रख दी हमने 11 की पावर के प्लस 2 की इंटू 11 प्लस 12 रेस्ट टू द पावर 2 के प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू रखी अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू 133 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई मत करो ऐसी मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्योंकि 133 अपने कॉमन निकालना है, 11 इंटू 133 एम माइनस 11 इंटू 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1 प्लस 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 3 है, इसको 2 के प्लस 1 प्लस 2 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर 12 की पावर 2 के प्लस 1 है, तो अपने को ये 2 के 12 की पावर 2 के प्लस 1 कॉमन निकालना है, तो 3 पावर को मैंने 2 के प्लस 3 पावर को 2 के प्लस 1 प्लस 2 लिख दिया, इसको 11 इंटू 133 की पावर एम माइनस 11 इंटू 12 की पावर 2 के प्लस 1 प्लस इसको 12 की पावर के प्लस 1 इंटू 12 स्क्वेयर, ऐसा लिखो, देखो बेस सेम है 12 तो पावर ऐड हो जाएगी, 12 के प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा। अब आप यहां से 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1, 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1 कॉमन निकाल, 11 इंटू 133 एम 12 की पावर 2 के प्लस 1 माइनस का कॉमन निकाल दो, तो माइनस 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1 ये कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा 11, और यहाँ बच गया आपका 11, और यहाँ बच जाएगा माइनस 12 स्क्वायर 144 माइनस 144। तो सॉल्व करेंगे तो ये 11 इंटू 133 एम माइनस 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1 इंटू माइनस 133, और ऐसा लिख सकते हैं 11 इंटू 133 एम, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 133 इंटू 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1, ऐसा बच गया। अब दोनों में से आप 133 को कॉमन निकाल दो, क्योंकि हमको 133 का डिविजिबल प्रूफ करना है, विच इज इक्वल टू, ये 133 कॉमन निकालो, बच गया 11 प्लस 12 रेस टू द पावर 2 के प्लस 1। देखो यहाँ पर 133 कॉमन आ गया, तो ये 133 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस डिविजिबल बाय 133, इस डिविजिबल बाय 133, ये 133 का डिविजिबल हो गया, देयरफॉर पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। हमने पी ऑफ के को ट्रू सपोज करे थे और पी ऑफ के प्लस 1 को ट्रू प्रूव कर दिए, तो हेंस बाय पीएमआई P of n belongs to natural limit।
तो ऐसे आप उसको 133 का डिविजिबल प्रूव करेंगे पीएमआई की हेल्प से। ठीक है, तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ लेवल फर्स्ट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, ओके, बाय।